हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए डेसिमल डिवीजन का ट्रिक लेके आया हूँ। ऐसा ट्रिक जिसमें आपको डिवाइड करना ही नहीं है, मीन्स बिना डिवाइड किए आप डेसिमल डिवीजन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये कैसे हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले आप देखोगे टाइप वन। टाइप वन में कैसे आप कोई भी डेसिमल डिवीजन को डिवाइडेड बाय 5 कैसे सॉल्व कर पाओगे, वो भी बिना डिवाइड किए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 982.25 / 5। अब इसमें आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको डेसिमल डिवीजन बिना डिवाइड किए आप सॉल्व करोगे। आपको यहां क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो स्टार्ट करिए स्टेप नंबर 1। 2 5 are 10, 0 कैरी 1, 2 2 are 4, 4 plus 1 5, 2 2 are 4, 2 8 are 16 कैरी 1, 2 9 are 18 एंड 18 plus 1 19। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, आप डेसिमल कहां रखोगे आप। तो टाइप 1 लिख देता हूं यहां पर मैं, टाइप वन में क्या करना है आपको, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उस नंबर पे आपको प्लस 1 करना है। मतलब अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर होगा तो 4 plus 1, पॉइंट के बाद अगर 5 नंबर होगा तो 5 plus 1। तो यहां पे कितना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 plus 1 कितना होगा, 3 होगा। तो काउंट कीजिए 1 2 3, 3 नंबर के बाद आप पॉइंट रख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये रहा टाइप वन। अब बात करेंगे हम लोग टाइप टू की। बात करेंगे हम लोग टाइप टू में, देखेंगे हम लोग कि कोई भी नंबर हो, कोई भी डेसिमल नंबर, एग्जांपल 7 8 2.325 / 25। ये है हमारा टाइप टू। टाइप टू में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड तो करना ही नहीं है, आपको बिना डिवाइड किए आप इसको सॉल्व करोगे। तो क्या करोगे, इसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, आपको आपको डिवाइडेड बाय 25 नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 5 are 20, 0 2, 4 2 are 8, 8 plus 2 10, 0 कैरी 1, 4 3 are 12, 12 plus 1 13 कैरी 1, 4 2 are 8, 8 plus 1 9, 4 8 are 32, 2 plus carry 1 3, 4 7 are 28, 28 plus 3 31। इतना बड़ा आ गया डिजिट आपका। अब टाइप टू में क्या करना है आपको कि कितने नंबर के बाद आप पॉइंट रखोगे। आप यहां देखिए, ये पॉइंट जो है वो 3 नंबर के बाद पॉइंट है। टाइप टू में क्या करना है आपको, प्लस 2 करना है। मतलब कितने भी नंबर के बाद पॉइंट हो उससे आपको प्लस 2 करना है। यहां पे क्या है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है यहां पर 1 2 3, तो 3 plus 2 क्या करोगे आप, 5। तो 5 नंबर के बाद आपको पॉइंट रखना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद आपको यहां पर पॉइंट रखना है। ये रहा आपका आंसर। अब बात करेंगे हम लोग टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में कैसे भी डेसिमल के नंबर हो आप डिवाइडेड बाय 125। एग्जाम्पल 6 8.243 डिवाइडेड बाय 125। अब 125 एग्जाम में अगर 125 का टेबल ना आए तो आपको पेपर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक के साथ आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें डिवाइड करना ही नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है। वो भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 8 से करेंगे। ये रहा टाइप नंबर 3। अब देखिए आप 8 से स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। 8 3 are 24, 4 2, 8 4 are 32, 32 plus 2 34, 4 3, 8 2 are 16, 16 plus 3 19 कैरी 1, 8 8 are 64, 64 plus 1 65, 5 6, 8 6 are 48, 48 plus 6 54।
अब आपका स्टेप नंबर टू स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर टू में आपको डिसाइड करना है आपको कि कितने नंबर के बाद आप पॉइंट रखोगे। आप देखो यहां पर ये पॉइंट यहां पर है, इसके बाद तीन नंबर है। टाइप नंबर थ्री में क्या करना है आपको, प्लस थ्री करना है। मतलब कितने भी नंबर के बाद पॉइंट हो, मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर होगा उतना नंबर ऐड करने बाद, जैसे एग्जांपल ये पॉइंट है, इसके बाद कितना नंबर है 1 2 3, तो थ्री नंबर के बाद आपको क्या करना है, प्लस थ्री करना है। तो थ्री प्लस थ्री कितना हो गया, सिक्स हो गया। तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या करना है आपको, जीरो पॉइंट रखना है यहां पर। तो ये सिक्स नंबर के बाद पॉइंट हो गया। हो सकता है कि ये आंसर, ये क्वेश्चन कुछ चेंज होता, एग्जाम्पल 6.8243 डिवाइडेड बाय 125 होता, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका 545944। ये कैसे आया, मल्टीप्लाई 8 से। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है यहां पर, 1 2 3 4, फोर नंबर है। तो क्या करोगे, 4 प्लस 3 7, तो सेवेंथ नंबर के बाद पॉइंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स ही नंबर है, सेवन तो यहां पर नहीं है, तो पॉइंट कहां पर रखोगे आप, तब क्या करना है आपको, यहां पर जीरो रखना है और पॉइंट यहां पर जीरो। मतलब अगर नंबर ना हो एंड में तो जीरो जीरो रखते जाओगे, उसके बाद पॉइंट होगा। तो टाइप वन में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय टू करना है और प्लस वन करना है, मल्टीप्लाई बाय फोर एंड मल्टीप्लाई बाय एट। ये रहा पूरा प्रोसीजर, जिससे आप कोई भी डेसिमल डिवीजन, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय 125 सॉल्व कर पाओ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।